1816 का नाम रखा गया था द ईयर विदाउट अ समर. वाओ, ओके, व्हाई सो? एक साल जब समर आया ही नहीं. एक सीरियसली सीजन आया ही नहीं, एक पूरा सीजन आया ही नहीं. वो इसलिए क्योंकि 1816 में क्लाइमेट में बहुत ज्यादा सीवियर चेंजेस आए थे, बहुत ज्यादा एबनॉर्मैलिटीज आई थी. वो एबनॉर्मैलिटीज ऐसी थी कि ग्लोबल टेम्परेचर वर ड्रॉप्ड बाई 0.4 to 0.7 डिग्री सेल्सियस. सुनने में इतना ज्यादा नहीं लगता, राइट? बट ग्लोबल टेम्परेचर में इतना डिप आने की वजह से क्रॉप फेलियर एंड मेजर फूड शॉर्टेजेस, फैमिन आ गया था पूरे वर्ल्ड में. बस इतने से, दैट्स नॉट इवन 1 डिग्री. हाँ, और पूरे वर्ल्ड में, बट बेसिकली अमेरिका और यूरोप हिट हुआ था. ओके, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अच्छा खासा इफेक्ट पड़े तो पूरे वर्ल्ड पे उसका रिपल इफेक्ट आएगा. तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक साल पहले 1815 में एक माउंट टेम्बोरा करके वॉल्केनो इरप्ट हुआ था. ओके, यस. तो ये इंडोनेशिया में हुआ था एक्सप्लोड, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन इन रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री. ओह माय गॉड.